तो बच्चों बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की। ठीक है, तो हमने क्या करा, दो पैरेलल प्लेट्स ली। ठीक है, अगर 20 बाय प्लेट से अगर एक्स प्लेट की तरफ को अगर मैं चार्ज को सप्लाई करूं तो बाय के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस क्यू, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव क्यू। ठीक है, तो जो पॉजिटिव क्यू है वो इनर सरफेस के ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव क्यू जो है वो इस बाय की इनर सरफेस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जो पैरेलल प्लेट्स होती है हमारी, वहां पे हम पढ़ चुके हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कहां पे होती है, ओनली इनर सरफेस के ऊपर होती है, आउटर सरफेस के ऊपर चार्जेस नहीं होते हैं। तो अब देखो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो कहां पे होगी, इनसाइड द प्लेट्स होगी ओनली। क्लियर है, इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमें ए दे रखा है। तो कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, कैपेसिटेंस होगी सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी एक्स माइनस बी वाई। ठीक है, ये होता है ना क्यू अपॉन बी पोटेंशियल, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो हमें बी की वैल्यू निकालनी है, बी एक्स माइनस बी वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है इनसाइड द पैरेलल प्लेट्स वो कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है इसमें वो कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड क्यों है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस, जो ये लेंथ है इनकी, ये काफी बड़ी है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है अंदर वो कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो बी एक्स माइनस बी वी किसके इक्वल हो जाएगा, ईडी के इक्वल हो जाएगा। बी एक्स माइनस बी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ईडी के इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, क्यू डी वाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ, अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया, फिर सी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, क्यू अपॉन बी एक्स माइनस बी वाई की वैल्यू को पुट कर दिया, क्यू डी ए वाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट, सी कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए वाई डी। ठीक है, नेक्स्ट है विद डायलेक्ट्रिक मीडियम। अगर ये जो स्पेस है दोनों प्लेट्स के बीच में, अगर यहां पे मैं क्या करूं, डायलेक्ट्रिक डाल दूं, डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल दूं, तो जो एप्सिलॉन नॉट है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्लियर है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम ए वाई डी। क्लियर है, तो ये है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। नेक्स्ट है चार्जिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। जो पैरेलल, जो हमारे पास कैपेसिटर्स होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं, उनकी चार्जिंग किस तरह से होती है। ठीक है, तो हमने दो प्लेट्स ले ली है एक्स और वाई, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करा तो बैटरी क्या करेगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को यहां से पुल करेगी, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इसको इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगी जो बाई वाली प्लेट है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये इसमें से पुल करती रहेगी, इसको देती रहेगी, पुल करती रहेगी, इसको देती रहेगी। क्लियर है, और बिटवीन द प्लेट्स हमें पता है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्स माइनस वी वी किसके इक्वल है, ईडी के इक्वल है। ठीक है, अब ये इसमें से पुल करती रहेगी, इसको इलेक्ट्रॉन्स देती रहेगी, यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज होती रहेगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज होती रहेगी। क्लियर है, यहां से पुल करेगी इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहां पे हमारे पास क्या होता रहेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड बनती रहेगी। जैसे ही जो ये इलेक्ट्रिक, जो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, ये कैपेसिटर किस में आ जाएंगे, स्टेडी स्टेट में आ जाएंगे। मतलब उसके बाद यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को पुल नहीं करेगी, ना इस पे किसी इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगी वो जो बैटरी लगी हुई है। क्लियर है, जब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, क्यू ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा, सीवी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक प्लेट के ऊपर चार्ज सीवी, एक्स के ऊपर प्लस सीवी, क्यू बाय के ऊपर माइनस सीवी हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन दीज प्लेट्स वो कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू वी बाय डी के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है, यहां से हम निकाल सकते हैं ई किसके इक्वल हो जाएगी, वी बाय डी, जो बैटरी पोटेंशियल है। क्लियर है, तो बच्चों इसमें एक बात नोट करने वाली है कि जी, व्हेन एवर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ऑलवेज इन फाइनल स्टेडी स्टेट, चार्ज ऑन द इनर फेस ऑफ द कैपेसिटर प्लेट बिकम क्यू इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, कि जब हम जो हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं उनको हम बैटरी के साथ अटैच करेंगे,
ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, तो हमेशा फाइनल स्टडी स्टेट में क्या होगा, जो इनर फेसेस होंगे कैपेसिटर के उनके ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, सीवी के इक्वल होगा। ठीक है, चाहे कैपेसिटर अनचार्ज है चाहे कैपेसिटर आपके पास चार्ज है। देखो अगर कैपेसिटर अनचार्ज है उस केस में क्या होगा, अनचार्ज है यहां से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को सेंड कर देगा, यहां से पुल करके यहां भेज देगा जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव क्यों आ जाएगा, तो जो फाइनल चार्ज है वो किसके इक्वल है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बना है, सीवी बना है। क्लियर है। दूसरे केस में क्या है, इस केस में हमारे पास क्या है कि जब कैपेसिटर क्या है चार्ज्ड है, इनिशियली हमने कैपेसिटर को चार्ज दे दिया पॉजिटिव क्यू नॉट और इस प्लेट के ऊपर चार्ज है माइनस क्यू नॉट। ठीक है, हमने इसको बी बैटरी के पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करा, जैसे स्विच को क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे तो बैटरी क्या करेगी, इनको चार्ज करना शुरू करेगी। ठीक है, देखो जो इनिशियल पोटेंशियल था कैपेसिटर के पास वो कितना था, क्यू नॉट बाई सी, इनिशियल चार्ज कितना था, क्यू नॉट बाई सी। अगर ये जो इनिशियल पोटेंशियल है अगर ये बैटरी के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, ठीक है, तो चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, कैपेसिटर से बैटरी की तरफ को फ्लो होगा, मतलब जो कैपेसिटर है हमारे वो क्या करेंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। बट अगर जो इनिशियल पोटेंशियल था दैट इज लेस देन द पोटेंशियल ऑफ बैटरी, तो क्या होगा, ये बैटरी इसको चार्ज देगी, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगी, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को सेंड करेगी, तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव क्यू, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव क्यू, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू फाइनल, इसके ऊपर माइनस क्यू फाइनल। क्लियर है। अब जो क्यू नॉट चार्ज है वो क्यू नॉट चार्ज क्या बन जाएगा बाद में, जब फाइनली जाके क्यू फाइनल बन जाएगा, जो किसके इक्वल होगा, सीवी के इक्वल होगा। क्लियर हुई बात। तो कभी भी जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को किसी बैटरी के अलोंग कनेक्ट करेंगे तो हमेशा फाइनल स्टेट में जाके क्या होगा, जो इनर सरफेसेस होंगे कैपेसिटर के उनके ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू क्यू सीवी ऑलवेज। क्लियर है।